राधे, तुम मेरे हृदय में, तुम मेरा प्रेम। और प्रेम एक ऐसा आयाम है जो हर आयाम को पार कर सकता है। मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक का जो नाता है, उसके मध्य में कोई नहीं आ सकता। राधे 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 राधे, राधे। लौट जाओ कृष्ण, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब हमारी बात गोलोक में ही होगी। राधे, तुमने मुझे जो भी इच्छा बताई, मैंने उसे पूर्ण किया है। अब तुम भी मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर ही दो। कृष्ण की अंतिम इच्छा? यदि अब भी तुम नहीं माने और यदि तुम मेरे साथ नहीं लौटे, तो ये क्षण हमारा अंतिम क्षण होगा राधे। इसके पश्चात कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा राधा। आज एक अंतिम प्रयास मुझे करने दो राधे, अन्यथा मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण, क्या इच्छा है तुम्हारी? तुमने कहा था कि तुम्हें इन 100 वर्षों में बहुत प्रेम मिला। मैं तुम्हें उसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ राधे। हमारे 100 वर्षों का प्रेम एक क्षण में यहाँ तुम्हारे साथ जीना चाहता। तो स्मरण करो राधा, हमारी यात्रा, हमारा प्रेम, वो परिशुद्ध प्रेम जो 100 वर्ष की अग्नि में तप कर अलौकिक और अविस्मरणीय बन चुका है। तो स्मरण करो जब हम गोलोक में प्रथम बार विलग्न हुए थे। जब पृथ्वी पर आकर मुझे देखे बिना तुमने अपने नेत्र ही नहीं खोले थे। जो भी था मेरा समर्पित तुमको कर। जब हम पृथ्वी लोक पर थे, मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाए। पहली बार तुम्हें ना जानते हुए भी मैंने तुमसे अपना प्रेम प्रकट किया था। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता। स्मरण करो राधे, हमारे पहली होली की स्मृतियां स्मरण करो राधे। जब मैंने तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था, राधे मैं तुमसे विवाह करना चाहता, विवाह करना चाहता। अच्छा, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। एक क्षण तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, हमारे वो अनंत रास जो हमने साथ में रचाए थे राधे। कैसे तुमने एकांत में मुझे स्वयं के हाथों से माखन खिलाया था। कृष्ण 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 राधा कृष्ण। कैसे हमने दूर देश द्वारका में अपना महल बनाया था। कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और जब द्वारका डूबने वाले थे, तो हम दोनों ने मिलकर द्वारका को बचाया था। तुमसे मुझे वो शक्ति मिली जिससे मैंने द्वारका को अपने हाथों से उठाया था। जब तक कृष्ण, द्वारका सदैव स्थिर रहेगी, क्योंकि द्वारका ही तो कृष्ण के हृदय का द्वार है। इन 100 वर्षों में हमने प्रेम की ऐसी वर्षा की जिसमें हम ही नहीं, ये समस्त संसार भीग चुका है। हम
तुम्हारा ये प्रेम अनंत है, इस यात्रा में सदैव हम साथ रहे आरंभ से लेके अब तक, तो इसके अंत में हम विलग्न कैसे हो सकते हैं राधे? कुछ कहो राधा, कुछ तो कहो। मैं समझ गया, इतना सब कुछ सुनने के पश्चात भी मौन का अर्थ एक ही है, तुम हमारे प्रेम को स्मृति बनकर रहने देना चाहते हो। तो ठीक है राधा, कोई बात नहीं, मैं भी मान लूंगा, स्वयं को मना लूंगा कि मुझे इन स्मृतियों के साथ ही जीना है। मेरे मुस्कुराते हुए मुख पर इन स्मृतियों के अश्रु कभी नहीं दिखेंगे राधे, क्योंकि जब अश्रु पोंछने के लिए कोई ना, तो पीड़ा को हृदय में बहाना ही उचित है।